बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। माय नेम इज़ डॉक्टर समरा अकबर एंड आई एम अ फार्मडी ग्रेजुएट फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिक्स का हमारा आज लेक्चर नंबर 10 है और हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो अंडर डिस्कशन है। चैप्टर नंबर 4 का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है जी आयोनाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी आयोनाइजेशन की, और फिर हमने कुछ एटम का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसकी वजह से हमें पता चला था कि जी एटम किन बेसिक पार्ट्स पे जो है मुश्तमिल होता है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि एक एटम जो है वो आयन के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर हमने टाइप्स ऑफ आयंस पढ़ी थी जो कि था कैटायंस एंड एनायंस। फिर हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो था जी अरहीनियस थ्योरी, और उस अरहीनियस थ्योरी के मुताबिक हमने एसिड्स को देखा था, बेसिस को देखा था और हमने सॉल्ट्स को देखा था। आज का जो हमारा लेक्चर है आयनाइजेशन का, इसमें हम मेनली जो है इलेक्ट्रोलाइट्स को कवर करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस को देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आयनाइजेशन जो है इसकी डेफिनेशन को हम रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि जो आयनाइजेशन है ये रिकॉल हो जाए हमारे माइंड में। तो आयनाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एटम और मॉलिक्यूल एक्वायर्स ऑब्टेन अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। कि आयनाइजेशन वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसके अंदर एक एटम या मॉलिक्यूल क्या करता है कि जब एक एटम जब आयन में कन्वर्ट होता है या जब एक मॉलिक्यूल आयंस में टूटता है तो उस आयन के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज क्यों आया जी, उसने या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए या इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, ठीक है। तो जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल जो है आयन में कन्वर्ट होगा तो उस आयन के ऊपर या नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो किस वजह से होगा कि बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमने कहा कि हम आयनाइजेशन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ आयन फॉर्मेशन, आयन बनने के अमल को हम आयनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से कल हमने देखा था कि एक एटम है वो किस तरह से जो था एक आयन में कन्वर्ट हुआ था, या वो एनायन बन रहा था या वो कैटायन बन रहा था, ठीक है। और वो भी हमने डिस्कस किया था कि वो क्यों ये बन रहा था, एनायन और कैटायन क्या चीज़ है और ये क्यों इनमें कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कल हमने जो डिस्कस किया था वो था अरहीनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। तो स्वेंटे अगस्त अरहीनियस ने 1887 में थ्योरी प्रेजेंट की थी और इसको नोबल प्राइज़ भी दिया गया था इस थ्योरी को प्रेजेंट करने पे। स्वेंटे अगस्त ने कहा था कि जी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स अपने एक्वस सॉल्यूशंस में जब हम इनको पानी के अंदर हल करते हैं तो क्या होता है कि बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं, कि इनकी मौजूदगी में पानी में से जो बिजली है वो अच्छे तरीके से गुजर जाती है, ठीक है। फिर हमने कल डिस्कस किया एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं और सॉल्ट्स क्या हैं। ऐसे ही तरह आज जो हमारा टॉपिक है मेनली वो है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो स्वेंटे अगस्त अरहीनियस ने एक कॉन्सेप्ट ये भी दिया था कि देर आर सर्टेन सब्सटेंसेस डैट डिजॉल्व इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड और डिसोसिएटेड इंटू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, और आयंस इवन वैन देर इज़ नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सोल्यूशन। उसने कहा था कि कुछ सब्सटांसिस इस तरह के हैं कि जब हम उनको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो सब्सटांस किस चीज़ में सेपरेट या डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस के अंदर जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। डिसोसिएट का मतलब होता है टूट जाना, अलहदा हो जाते हैं, टूट जाते हैं आयंस के अंदर, ठीक है। और आयंस हमारे क्या थे, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स थे, या वो पॉजिटिव होंगे या वो नेगेटिव होंगे, ऐसे ही था ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स थे। तो क्या था कि ये देर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि अपने को सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और उन सब्सटेंसेस को जो है हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो अरहीनियस ने इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इसको भी डिफाइन किया था अरहीनियस ने। अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं कि क्या होते हैं। The substance which in aqueous solutions conduct electricity is called electrolyte. कि वो substance जब हम उसका aqueous solution बनाएं कि पानी H2O के अंदर उस substance को हम हल कर दें तो क्या होगा कि वो उस solution में से electricity जो है वो pass कर जाएगी,
क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। तो ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। ऐसा सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। और उस सब्सटेंस में से जो बिजली है या इलेक्ट्रिसिटी है वो क्यों पास की, क्योंकि वो सब्सटेंस दो चीज़ों में कन्वर्ट हो गया ना, आयंस में कन्वर्ट हो गया। एक एनायन बन गया उसका, एक कैटायन बन गया उसका, दो, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन बन गया उसका, ठीक है। तो इन आयंस की मौजूदगी की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होती है उनके एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर। अगर आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और उनको हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी किसी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर से, तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर NaCl, HCl, HNO3। NaCl कल हमने साल्ट के एग्जांपल में पढ़ा था जो कि था सोडियम क्लोराइड, ठीक हो गया। HCl हमने कल एसिड के एग्जांपल में पढ़ा था जो कि था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह HNO3 हमने नाइट्रिक एसिड जो है ये हमने पढ़ा था एसिड के एग्जांपल में, ठीक है। तो अब आप लोग देख लें कि ये डिफरेंट जो हमने कल पढ़े थे एसिड्स, बेसिस और साल्ट, ये इनमें से कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनको ओवर, क्योंकि ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सब्सटेंसेस हैं ना, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो साल्ट हो सकता है, वो एसिड हो सकता है, वो बेस हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि जो सब्सटेंस है वो स्प्लिट हो जाता है आयंस के अंदर। सही होगी बात। जैसे कि अगर NaCl की बात करें तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव के अंदर प्लस Cl नेगेटिव के अंदर, ठीक होगी बात। तो इस इन आयंस की मौजूदगी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। HCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव कैटायन बन गया, दूसरा हमारा Cl नेगेटिव एनायन बन गया, ठीक है। और HNO3 एच पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और NO3 नेगेटिव वन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो इन आयंस की मौजूदगी की वजह से अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो इन आयंस की मौजूदगी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। द सब्सटेंस विच इन एक्व सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कि ऐसे सब्सटेंसेस जब हम उनको एक्वस सॉल्यूशन में या पानी में हल करें, उनका सॉल्यूशन बनाएं, तो वो बिजली को कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंडक्ट करेंगे, क्योंकि ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे सब्सटेंस हम पानी में डालेंगे वैसे का वैसा ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर, ग्लूकोज, वुड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर देखें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव आयंस। जैसे मैंने भी बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स कौन है, वो सब्सटेंसेस हैं कि जब हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, और इन आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पाते, क्योंकि वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट होंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, अगर नहीं होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे वो सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हम ना इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप्स जो हैं वो कुछ डिस्कस करते हैं, या आप लोगों की सिलेबस में भी मेंशन है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम वन बाय वन को डिस्कस करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट तो हमने देख लिया ना कि क्या है, कि एक ऐसा सब्सटेंस कि जब हम इसको पानी में हल करें तो उसके अंदर से वो आयंस में डिसोसिएट हो, टूटे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए। अब देखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली ब्रोकन इंटू आयंस। कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है कि जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब कि पानी के अंदर जब हमने इसको हल किया तो क्या हुआ कि वो कम्प्लीटली तौर पर आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया, कम्प्लीटली तौर पर आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया। कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल नहीं बचा उस पानी के अंदर जो कि एज इट इज़ मौजूद रहे। मतलब कि अगर हमने NaCl डाला है, उसके दो मॉलिक्यूल डाले हैं पानी के अंदर, ये पानी है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, ये हमने ऊपर से NaCl के दो मॉलिक्यूल डाले, ठीक है, ये NaCl के हमने दो मॉलिक्यूल डाले, ठीक है। और दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट होने चाहिए, Na पॉजिटिव
सी एल नेगेटिव, ठीक है, दोनों के दोनों जो हैं वो इसके अंदर कन्वर्ट होने चाहिए। इनमें से अगर एक भी मॉलिक्यूल इस पानी के अंदर डिसोसिएट ना होता तो क्या होना था कि वो कभी भी 100% डिसोसिएशन नहीं होनी थी। तो क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं कि डिसोसिएट होते हैं 100% इनटू आयंस। अगर दो डालें तो दो के दो ही जो हैं इसके सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होंगे। अगर हम 100 भी डाल दें NaCl के जो सब मॉलिक्यूल है NaCl के 100 मॉलिक्यूल भी डाल दें तो 100 के 100 जो हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होंगे, ठीक है। 100 मॉलिक्यूल अगर हमने NaCl के डाले हैं तो 100 के 100 जो है वो Na में कन्वर्ट होंगे और 100 के 100 जो है वो HCl नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होगा कि जो अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो NaCl की फॉर्म में प्रेजेंट हो, मतलब कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि कम्प्लीटली तौर पर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर हम इनको यूँ भी कह सकते हैं कि डिसोसिएट्स 100% इंटू आयंस, कि ये आयंस के अंदर जो है 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। 100% एक भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं रहता कि वो बिल्कुल मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है अपने सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहे, नहीं, वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और फिर जब ये कम्प्लीटली तौर पर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है जब हम इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे तो बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी गुजर पाएगी, तो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा NaOH है, ठीक है। तो ये सारी एग्जाम्पल जो हैं हमारी किसकी हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब अगर आप इन एग्जाम्पल्स पे गौर करें तो कल हमने डिस्कस किए थे कुछ साल्ट्स और एसिड्स वगैरह और बेसिस वगैरह, तो ये देखें यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे डिफरेंट एसिड्स का, बेसिस का और साल्ट्स का, वो सारे किसमें आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि जब हमने HCl को, NaOH को, NaCl को हमने पानी के अंदर डिसॉल्व किया है तो क्या हुआ है कि वो H अलहदा हो गया, Cl अलहदा हो गया, Na अलहदा हो गया, यहाँ पे OH अलहदा हो गया। इस तरह यहाँ पे जब हमने NaCl डाला तो Na अलहदा हो गया और Cl अलहदा हो गया, कम्प्लीटली तौर पर जो आएंगे डिसोसिएट हो गए हैं। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल आती हैं, ठीक है। उसमें एसिड भी आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, कुछ बेसिस भी आ जाएंगे और साल्ट्स भी आ जाएंगे। अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने इनकी एग्जाम्पल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद करनी है कि कौन से ऐसे एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कौन से ऐसे बेस है जो हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इस तरह कौन सा ऐसा साल्ट है जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें HCl ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल में आएगा, NaOH ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल में आएगा, NaCl ये साल्ट है ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल में आएगा। ये आप लोगों को MCQ भी आ सकता है कि कौन सा ऐसी बेस है, मिसाल के तौर पर कौन सी ऐसी बेस है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको एग्जांपल दी होगी ऑप्शंस दिए होंगे NaOH, HCl, NaCl, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि जो NaOH जो हमारी बेस है, ठीक है, और ये अगर आपने याद किया होगा तो पता होगा कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करती है। नेक्स्ट हमारा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, के वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट ब्रेक इनटू आयंस कम्प्लीटली। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है कि जब हम इसको उसके एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो अपने आयंस में कम्प्लीटली तौर पर डिसोसिएट नहीं होता, कम्प्लीटली तौर पर आयंस में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब कि अगर हमने 100 मॉलिक्यूल NaCl के डाले हैं, 100 मॉलिक्यूल हमने NaCl के डाले हैं, तो उसमें से क्या होगा कि 50 मॉलिक्यूल जो हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे, मतलब NaCl की फॉर्म में रहेंगे, और 50% जो हैं वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा वो सब्सटेंस होता है कि जब हम उसको एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो वो कम्प्लीटली तौर पर आयंस में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट डिसोसिएट इनटू 100% आयंस, 100% आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा ना, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 NaCl के मॉलिक्यूल डाले अगर हमने पानी के अंदर, तो उसमें से 50 जो हैं वो वैसे के वैसे ही रहे हैं NaCl के फॉर्म में रहे हैं, और 50% जो थे वो Na पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गए और Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो ये 100% डिसोसिएशन तो नहीं हुई ना, तो इसलिए इनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक होगी बात। फिर है कि फ्यू आइंस आर प्रोड्यूस्ड विच रिजल्ट्स इन पुअर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो जब हमने इनको पानी के अंदर डाला है
तो कुछ आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इतनी अच्छी कंडक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा कि इतनी अच्छी कंडक्ट नहीं होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी कंडक्ट नहीं होगी तो क्या होगा फिर? जाहिर सी बात है, पुअर कंडक्टर होंगे वो उस चीज़ के। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मैंने आप लोगों को ना एग्जाम्पल सॉरी दी है यहाँ पे NaCl की, लेकिन वो तो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था ना, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल दे दी, लेकिन यहाँ पे NaCl नहीं आएगा। अगर आप HF की एग्जाम्पल लें, यहाँ पर देखो HF की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने इसके 100 मोलिक्यूल डालें पानी के अंदर, 100 मोलिक्यूल, तो क्या होगा कि इसमें से 50% HF में, HF के मोलिक्यूल में रहेंगे। ठीक है, मोलिक्यूल की फॉर्म में रहे 50%, और 50% जो है वो हमारे कन्वर्ट होंगे H पॉजिटिव में और प्लस F नेगेटिव के अंदर। ठीक होगी बात? तो 50% हमारे मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेंगे और 50% जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से भी ये क्या है कि पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, कंप्लीटली तौर पर आयंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। आयंस की जो है वो ज़्यादा कसरत नहीं होती, मतलब कि अबंडेंस नहीं होती, जो कि हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने में उस एक्वस सोल्यूशन में से। तो इस तरह के सब्सटेंसेज जो हैं हमारे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की, SCH3COOH एसिटिक एसिड की, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं हमारी किसकी हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अब यहाँ भी MCQ आ जाता है, आ सकता है कि इनमें से कोई ऑप्शन दिया होगा और पूछा होगा कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा जी के एसिटिक एसिड जो है हमारा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या HF हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कार्बोनिक एसिड हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल है कि पिक्चर, आपको यहाँ से कुछ जो आपकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहेगी वो खत्म हो जाएगी कि देखो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा HCl है यहाँ पे, और एक हमारा वीक एसिड कौन सा है, कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, दोनों का हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, दोनों को हमने पानी में डाला। ठीक है, देखो हमने जब HCl को पानी में डाला है तो वो कम्प्लीटली तौर पर आयंस में कन्वर्ट हो गया, कोई भी इसका मॉलिक्यूल एज सच नहीं प्रेजेंट, HCl की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट। किस तरह प्रेजेंट है? H पॉजिटिव, HCl नेगेटिव, मतलब कि आयंस में कन्वर्ट हो गया और उस तरह प्रेजेंट है। ठीक है, HCl की फॉर्म में कोई नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें H2CO3 की, लेकिन देखो अगर H2CO3 की बात करते हैं तो इसके अंदर अगर हमने पानी के अंदर देखें तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वैसे के वैसे ही प्रेजेंट है H2CO3 की फॉर्म में। ठीक है, और उनमें से बहुत कम जो हैं, मतलब कि अगर हमने 5 H2CO3 के मॉलिक्यूल डाले थे उसमें से 3 आयोनाइज नहीं हुए और 2 आयोनाइज हो गए हैं। दो जो आयोनाइज हुए हैं उनमें से एक पॉजिटिव आयन बन गया और एक नेगेटिव आयन बन गया। ठीक है, तो देखो कम आयन बने ना, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होगी, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की निशानी होती है कि वो ज़्यादा आयोनाइज नहीं हो पाता एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि वो कम्प्लीटली तौर पर आयोनाइज हो जाता है एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज HCl डिसोसिएट्स कम्प्लीटली इनटू इट्स आयंस, अ वीक एसिड सच एज H2CO3 डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली। कम्प्लीटली तौर पर तो नहीं हुआ ना, क्योंकि उसके कुछ मॉलिक्यूल्स एज सच प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी देखो, ये एग्जांपल है, अगर हमने HCl के दो मॉलिक्यूल डाले हैं तो क्या हुआ कि H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव दोनों अपने अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो गए, तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल। ठीक है, इसे अगर हम एसिटिक एसिड को देखें, अगर हमने इसके दो मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो उसमें से एक डिसोसिएट हुआ है H पॉजिटिव में और एक नेगेटिव आयन में, और दूसरा जो है वैसे का वैसे प्रेजेंट है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कम्प्लीटली तौर पर डिसोसिएट नहीं हुए, ये 100% डिसोसिएट हो गया और ये 50% डिसोसिएट हो गया। ठीक है, अच्छा अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ लिया, फिर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ लिया। अब इसके अंदर ना कुछ सब्सटेंसेस आते हैं जिनको हम एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस करते हैं और एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके अंदर क्या आती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी आते हैं और सॉल्ट्स भी आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, कम्प्लीटली तौर पर आयोनाइज हो जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वीक एसिड्स आते हैं और वीक बेसिस आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे वीक स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होती हैं और वीक बेसिस क्या होती हैं। साल्ट जो है वो हम लास्ट लेक्चर में अपना डिस्कस कर चुके हैं कि साल्ट क्या होते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस
को देखने से पहले कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस को देखने से पहले हम जरा एसिड की एसिड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एसिड क्या था। लास्ट लेक्चर में भी हमने से पढ़ा था कि एसिड इज द सब्सटेंस डैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कि एसिड क्या होता है, कि ऐसा सब्सटेंस होता है कि जब भी उसका कोई सोल्यूशन बनाया जाए तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, या क्या होता है कि अगर आप उसको या फिर अपने को सोल्यूशन में आयन्स प्रोड्यूस करेगा, या फिर जो है उसके पास लाजमी जो है एक हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो एसिड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। अब हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है। अब आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड अब देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एक्सटेंसिवली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं जो एक्सटेंसिवली आयोनाइज्ड होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशंस, कि वो कम्प्लीटली तौर पर अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कम्प्लीटली तौर पर 100% डिसोसिएशन होती है इनके आयंस की, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहलाएंगे। ठीक है, हुई ना बात, क्योंकि क्या है ये 100% अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, तो क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है जी गुड कंडक्टर, क्योंकि 100% आयंस की जो है वो डिसोसिएशन हो रही है, 100% डिसोसिएशन होगी तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से कंडक्ट होगी। ठीक है, फिर है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव मोर एसिडिक टेस्ट, सोर टेस्ट। क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं इनके पास कौन सा टेस्ट होता है, थोड़ा सा तुश जायका होता है इनका, तुष जायका होता है, मतलब खट्टे होते हैं ये। स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स रेडली। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की एक ये भी निशानी है कि ये जैसे ही इनको कोई मेटल मिलता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये फौरन से पहले उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, फौरन से पहले उनके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ये भी एक निशानी है स्ट्रॉन्ग एसिड होने की, कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स रेडली। फिर आज स्ट्रॉन्ग एसिड विल न्यूट्रलाइज अल्कली। अब ये अल्कली क्या है, अल्कली इज एन अदर नेम ऑफ बेस। बेस जो हमने पढ़ा है उसका दूसरा नाम अल्कली है, बेस को हम अल्कली भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, जब भी एक एसिड या बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो है वो वजूद में आता है जो कि न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड विल न्यूट्रलाइज अल्कली, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो अल्कली को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, ना वो एसिडिक रहता है ना वो बेसिक रहता है, बिल्कुल न्यूट्रल सब्सटेंस जो है वो वजूद में आता है। हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस कौन सा था, हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, साल्ट। साल्ट मोस्टली जो है वो साल्ट वजूद में आते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ना वो एसिड होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटालाइजेस द सर्टेन रिएक्शंस मोर एफिशिएंटली। कह रहे हैं कि जो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो कैटालाइज करते हैं सर्टेन रिएक्शंस को मोर एफिशिएंटली। कैटालाइज का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन को जल्दी ख़त्म करने में मदद देना। ठीक है ना, मददगार होना, देना। आपने कैटालिस्ट का लफ्ज़ सुना होगा, ये कैटालिस्ट, कैटालाइजेस का लफ्ज़ कैटालिस्ट से निकला है, कैटालाइजेस का लफ्ज़ कैटालिस्ट से निकला है। ठीक है, और कैटालिस्ट क्या होते हैं कि वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को जल्दी ख़त्म करने में मदद देते हैं। जैसे कि अगर एक रिएक्शन ने 2 घंटे के अंदर ख़त्म होना है ना, तो अगर हम उसके अंदर कोई कैटालिस्ट डाल देंगे तो वो 2 मिनट के अंदर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैटालाइजेस होते हैं। तो क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैटालाइजेस सर्टेन रिएक्शंस मोर एफिशिएंटली। ठीक है ना, अब इस एग्जांपल्स देखें, HCl हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सारे एग्जांपल्स किसकी हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स की एग्जांपल हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो पीछे एग्जांपल्स पढ़ी थी, HCl, H2SO4, HNO3, ये दोनों तीनों किसी एग्जांपल्स में आ गई हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल्स में आ गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स दैट आर स्लाइटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। कि वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में कुछ हद तक आयोनाइज होते हैं, 100% आयोनाइजेशन शो नहीं करते। जब 100% आयोनाइजेशन शो नहीं करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ऑब्वियसली ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ठीक है, तो वीक एसिड्स आर स्लाइटली आयोनाइज्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली क्योंकि आयंस कम है तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होगी, तो पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वीक एसिड्स रिएक्ट स्लोली विद मेटल्स। वीक एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स के साथ
आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करते हैं, लेकिन हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे कि फ़ौरन से पहले मेटल के मेटल मिला नहीं, फ़ौरन से पहले उन्होंने रिएक्शन दे शो कर दिया, लेकिन वीक एसिड जो हैं वो मतलब कि ज़्यादा जल्दी मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं शो करते। फिर है कि इनके पास भी जो है वो एसिडिक टेस्ट होता है, लेकिन थोड़ा कम, इनका जो तुर्श जायका होता है वो थोड़ा कम होता है। वीक एसिड्स विल न्यूट्रलाइज अल्कली, इनका भी प्रॉपर्टी है कि ये अल्कली जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है हमेशा सॉल्ट वजूद में आता है और वो हमेशा न्यूट्रल होता है। वीक एसिड्स कैटालाइज़ रिएक्शन लेस एफिशिएंटली, जाहिर सी बात है ये भी थोड़े से कैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं, लेकिन क्या है कि ज़्यादा जल्दी जो है वो रिएक्शन को ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि वीक एसिड्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें, CH3COOH एसिटिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास किसकी हैं, वीक एसिड्स की एग्जाम्पल हैं। आपको MCQ आ सकता है यही कि वीक एसिड कौन से हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल्स दी होंगी कि ये हैं, तो आपको जो है करेक्ट ऑप्शन में से जो है वो उस पर टिक लगाना होगा। अब हम बेस देख लेते हैं, क्योंकि अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को। ठीक है, तो बेस क्या होता है, बेस इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। बेस क्या था कि एक ऐसा सब्सटेंस था जो कि हाइड्रोक्सिल आयंस देता है अपने एक्वस सॉल्यूशंस में। इसकी निशानी होती है कि जब भी एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये OH नेगेटिव आयंस जो हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करेंगे, या इनके पास हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो लाजमी प्रेजेंट होगा। ये बेस की निशानी होती है। मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हमें नहीं पता इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्ग बेस है कौन सी वीक बेस है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है जी, आर एक्सटेंसिवली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशंस। स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ये भी जो है कम्प्लीटली तौर पर अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाते हैं, 100% आयनाइजेशन शो करते हैं। 100% आयनाइजेशन शो करेंगे तो क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज देखें कुछ, दैट दे हैव मोर बेसिक टेस्ट, इनका जो है ज़्यादा बेसिक टेस्ट होता है। बेसिक टेस्ट कौन सा होता है, बिटर टेस्ट, ज़्यादा कड़वा टेस्ट होता है इनका। सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद न्यूट्रलाइज एसिड्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है कि जब भी एसिड और बेस का, सॉरी यहाँ पे बेस आना है, क्या आएगा यहाँ पे बेस, कि जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। ठीक है, जो कि न्यूट्रल होता है। अब एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस की क्या है जी, NaOH है और KOH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। वीक बेस देखें, वीक बेसिस आर स्लाइटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशंस। वीक बेसिस क्या होते हैं कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में स्लाइटली आयोनाइज होते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली तौर पर आयोनाइज नहीं होंगे, 100% आयोनाइजेशन शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो कौन से होंगे, हमारे वीक बेस कहलाएंगे। इनके प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, और वो वीक बेस कौन सी होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगी, क्योंकि वो 100% आयोनाइजेशन शो नहीं करेंगे। दे हैव लेस बेसिक टेस्ट, कम कड़वा टेस्ट होता है इनका। सोल्यूशन ऑफ वीक बेस विल न्यूट्रलाइज एसिड्स, इनकी भी प्रॉपर्टी है कि ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड्स को। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल गिवन है। अब आप ये देखो, मैं जो बात कर रही थी कि यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस या सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो एसिड से जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि सॉल्ट बनाता है। देखें, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, साल्ट कौन सा वजूद में, साल्ट वजूद में है जो कि न्यूट्रल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट वजूद में है न्यूट्रल। NaOH हमारे पास बेस है, HCl हमारा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ने रिएक्शन जो किया तो NaCl हमारा कॉमन साल्ट है जो कि हम रोज़मर्रा की जो अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, और साथ में वाटर बन गया, NaCl और H2O। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारे पास उस रिएक्शन की जो मैं आपको बता रही थी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक टॉपिक है आपकी, उसके अंदर क्या आयनाइजेशन ऑफ वाटर, क्या आयनाइजेशन ऑफ वाटर। प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर, वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब ये पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्यों है, वही बात कि इसके अंदर भी जो है मॉलिक्यूल्स H2O के ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स आयंस। इसकी आयंस की नस्बत इसके अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। जब आयंस कम प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इसी तरह कंडक्ट नहीं होगी, इसी तरह कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, अब ये देखें आयंस जो यहाँ पे शो किए हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, फिर है कि प्योर वाटर इज़ न्यूट्रल। प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, क्यों होता है, क्योंकि कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस इज इक्वल। ठीक है,
क्योंकि हाइड्रोक्सल आयन्स और हाइड्रोजन आयन्स की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है ना। हाइड्रोजन आयन्स किस चीज़ को शो करते हैं? एसिडिटी को शो करते हैं। हाइड्रोक्सल आयन्स किस चीज़ को शो करते हैं? बेसिसिटी को शो करते हैं। तो जब बराबर है इन दोनों आयन्स की कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ना वो बेसिक हुआ ना वो एसिडिक हुआ, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। उसकी पीएच होती है न्यूट्रल की हमेशा पीएच 7 होती है। सही हो गया बात। नेक्स्ट हमारी कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशंस। आयनाइजेशन इज वेरी हेल्पफुल इन डिटरमिनिंग एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है। आयनाइजेशन जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस हेल्प डिटरमाइन इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। जितना कोई एसिड बेस ज़्यादा आयोनाइज होगा या जितनी कोई बेस ज़्यादा आयोनाइज होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतनी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। जितना कम एसिड आयोनाइज होगा उतना वो कम स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी कम बेस आयनाइज होगी उतनी वो कम जो है वो लेस बेसिक होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम आयनाइजेशन जो है उसको हम यूज़ करके जो एसिडिटी और बेसिसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है। फिर आयनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पीएच। एसिड आयनाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच को डिटरमाइन करने के लिए। हम पीएच जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आयनाइजेशन की मदद से कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसकी पीएच हमारी किससे होगी? 7 से कम होगी, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल होती है और 7 से कम वाली हमेशा एसिडिक होते हैं, ठीक है। और जब हमें पता चल जाएगा हमारा जो सब्सटेंस सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है तो हमारी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होगी। ये पीएच जो डिटरमिनेशन है ये हम अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, तो आपको वहाँ ज़्यादा समझ आ जाएगा। फिर है कि मेनी ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड्स और वीक बेसिस और देयर साल्ट्स, ठीक है। हमें पता है कि कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं, कुछ वीक बेसिस होती हैं, साल्ट्स होते हैं। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ ड्रग हैज़ एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन इट्स अब्सॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। तो क्या है कि जितनी ज़्यादा कोई भी ड्रग आयोनाइज होगी उतनी अच्छी वो एब्जॉर्ब होगी, उतनी अच्छी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी और उतनी ही जल्दी वो बॉडी में से एलिमिनेट होगी और अपना इफेक्ट शो करेगी, ठीक है। जितनी कोई ड्रग कम आयोनाइज होगी, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि आयोनाइजेशन किस हद तक वो आयोनाइजेशन शो कर रहा है हमारी ड्रग। कम आयोनाइजेशन शो करेगी तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी तो कम इफेक्ट शो करेगी और कम जल्दी जो है हमारी बॉडी में से एलिमिनेट होगी, ठीक है। फिर है सो आयनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज कंसिडर ड्यूरिंग मैनुफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अगर हमने अपनी ड्रग को इफेक्टिव बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए कि उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को ज़्यादा रखना चाहिए, ठीक है। तो इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज कंसिडर्ड ड्यूरिंग मैनुफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। फिर इसकी एक लास्ट एप्लीकेशन है कि इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आयन्स आर डिस्चार्ज्ड एट इलेक्ट्रोड्स एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी सब्सटेंसेस, कि क्या है कि ये जो आयनाइजेशन प्रोसेस है ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर यूज होता है और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करते हैं, जैसा कि NaOH को भी हम बनाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर और HCl को भी बनाते हैं। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस देख लेते हैं अगर आपको शायद समझ आ जाए यहाँ पर। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस जो है हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि इसके अंदर पहले तो आप इसकी ज़रा मेन कॉम्पोनेंट देखें कि कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करने के लिए। इसके लिए ना चार जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होना ज़रूरी है, एक इलेक्ट्रोलाइट होना ज़रूरी है, एक इलेक्ट्रोलोड्स होना ज़रूरी है और फिर एक्सटर्नल पावर सोर्स होना ज़रूरी है हमारे पास, ठीक है। आप ज़रा एग्जांपल देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है पूरा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। ये जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों, ठीक है। ये दोनों हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, एक का नाम है एनोड, एक का नाम है कैथोड, ठीक है। जो पॉजिटिव वाला है उसे कहते हैं एनोड, जो नेगेटिव वाला है उसे कहते हैं कैथोड, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है देखें वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हुआ हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि NaOH सॉल्यूशन जो है हमारा यहाँ पे वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए बनाते हैं। वो किससे बनाते हैं? हम NaCl यूज़ करके बनाते हैं। तो हम NaCl को इसके अंदर डालते हैं और वाटर होता है इसके अंदर, तो क्या होता है कि NaCl जो हमारी क्लोरीन है, क्लोरीन आयन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं ना, तो वो एनोड पर जाकर डिपॉजिट होते हैं, पॉजिटिव वाले के पास जाएंगे और क्लोरीन गैस बन के वेपर ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से। फिर हाइड्रोजन आयन्स होते हैं हमारे वो पॉजिटिव होते हैं, कैथोड पर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं, ठीक है। पीछे क्या बचा? सोडियम आयन्स, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल आयन्स जो वाटर के थे,
ठीक है, ऐसी बात है ना, सोडियम आयन्स और हाइड्रोक्सल आयन्स, तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वजूद में आ जाएगा। तो ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम NaOH को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको इलेक्ट्रोलिसिस का थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको बताया, वरना इसकी डिटेल तो बहुत ज़्यादा है, जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज द पासिंग ऑफ एन डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूसिंग केमिकल रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स पे रिएक्शन हुए ना कि क्लोरीन रिलीज हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई और फिर NaOH जो है हमारा बन गया। मेन कंपोनेंट्स क्या थे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोड्स था और एक्सटर्नल पावर सोर्स था। एक्सटर्नल पावर सोर्स होगा तो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास करेगा और ये रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोड्स पे होंगे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने मेनली जो चीज़ डिस्कस की है वो इलेक्ट्रोलाइट्स थे हमारे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर स्ट्रॉन्ग कुछ एसिड्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस आती हैं, सॉल्ट्स आते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर वीक एसिड्स और वीक बेसिस आते हैं। फिर हमने वीक एसिड्स के अंदर जो है वीक एसिड्स देखे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स देखे, स्ट्रॉन्ग बेसिस देखी, स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस देखी। फिर हमने इसकी कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो डिस्कस की, आयनाइजेशन की। ठीक है, तो कोई बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन एंड अल्लाह हाफिज़।